एक मर्तबा एक बादशाह ने अपने वज़ीर को आधी सल्तनत देने को कहा, लेकिन साथ में कुछ शरायत भी ऐद की। वज़ीर ने लालच में आकर शरायत जानने की दरख्वास्त की। बादशाह ने शरायत 3 सवालों की सूरत में बताई। सवाल नंबर 1, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सवाल नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? सवाल नंबर 3, दुनिया की सबसे मीठी चीज़ क्या है? बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि वो इन 3 सवालों के जवाब एक हफ्ता के अंदर अंदर बताए, बसूरत दीगर सजाए मौत सुनाई जाएगी। वज़ीर ने सबसे पहले दुनिया की बड़ी सच्चाई जानने के लिए मुल्क के तमाम दानिशवरों को जमा किया और उनसे सवालात के जवाब मांगे। उन्होंने अपनी अपनी नेकियां गिनवाई, लेकिन किसी की नेकी बड़ी और किसी की छोटी निकली, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई का पता ना चल सका। इसके बाद वज़ीर ने दुनिया का सबसे बड़ा धोखा जानने के लिए कहा तो तमाम दानिशवर अपने दिए हुए फरेब का तज़किरा करते हुए सोचने लगे कि किसने किसको सबसे बड़ा धोखा दिया। लेकिन वज़ीर इससे भी मुतमिन ना हुआ और सजाए मौत के खौफ से भेस बदल कर वहाँ से फरार हो गया। चलते चलते रात हो गई। इस दौरान इसको एक किसान नज़र आया जो खुरपी से ज़मीन खोद रहा था। किसान ने वज़ीर को पहचान लिया। वज़ीर ने इसको अपनी मुश्किल बताई, जिसे सुनकर किसान ने इसके सवालों के जवाब कुछ यूं दिए। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। तीसरे सवाल का जवाब बताने से पहले किसान ने कहा कि मैं अगर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बता दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सल्तनत तो तुम्हारे हाथ आएगी। ये सुनकर वज़ीर ने इसे 20 घोड़ों की पेशकश की और इसे ही अस्तबल का निगरान बनाने की भी पेशकश की। किसान ने यह सुनकर जवाब देने से इनकार कर दिया। वज़ीर ने सोचा कि ये तो आधी सल्तनत का ख्वाब देख रहा है। वज़ीर जाने लगा तो किसान बोला कि अगर भाग जाओगे तो सारी ज़िंदगी भागते रहोगे और बादशाह के बंदे तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, और अगर पलटोगे तो जान से मारे जाओगे। ये सुनकर वज़ीर रुक गया और किसान को आधी सल्तनत की पेशकश की, लेकिन किसान ने इसे लेने से इनकार कर दिया। इतने में एक कुत्ता आया और प्याले में रखे हुए दूध में से आधा पीकर चला गया। किसान ने वज़ीर से कहा, मुझे आधी सल्तनत नहीं चाहिए, बस तुम इस बचे हुए दूध को पी लो तो मैं तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब बता दूंगा। ये सुनकर वज़ीर तलमला गया, मगर अपनी मौत और जासूसों के डर से उसने दूध पी लिया। वज़ीर ने दूध पीकर किसान की तरफ देखा और अपने सवाल का जवाब मांगा तो किसान ने कहा कि दुनिया के सबसे मीठी चीज़ इंसान की गर्ज और लालच है, जिसके लिए वो जलील तरीन काम भी कर जाता है।